2 से 12 नवंबर तक चलाए जा रहे किसान पखवाड़ा कार्यक्रम का नीमच सिटी में आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री, विधायक, कलेक्टर आदि शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर करीब एक दर्जन किसानों का सम्मान भी किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि 2 से 12 नवंबर तक किसान पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को नीमच सिटी के सरस्वती स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा, विधायक दिलीप सिंह परियार, कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, SP मनोज कुमार राय आदि शामिल हुए। अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों को एक मंच पर लाकर अनुभव साझा करना है। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही किसान कल्याण ऋण योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाना है तथा FPO एवं महिला स्वयं सहायता समूह को बैंक से जोड़ना इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य है। आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 15 किसानों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। सेंट्रल बैंक प्रबंधक ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को मान सम्मान देना है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को लोन वितरण किए गए। ये सभा द्वारा हम लगभग 50 से 60 किसानों की 7 करोड़ तक हम लोन वितरण किए हैं। आज का मेन उद्देश्य हमारा यह था कि जो हमारे जो किसान भाई लोग हैं, अपने सुबह उठ से रात सोने तक खाने पीने के लिए जो भी व्यवस्था, जो भी करना है, दान जो भी पकाना जो करना है, वो किसान भाई करते हैं। अलग अलग संस्था में अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए को भी उसकी गौरव पुरस्कार वगैरह सब मिलता है, उसको शील्ड मिलता है, उसको जो और कुछ सर्टिफिकेट मिलता है। तो हमारा जो नेत्र मोहरकर साहब है, हमारी भोपाल आंचलिक कार्य से फील्ड महाप्रबंधक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का दोनों का अधिकारी है। वो दोनों स्टेट में हमारी कम से कम 450 का ऊपर शाखा है। ये शाखाओं में सभी शाखाओं से साहब का निर्देश ये था कि सभी शाखाओं में ये जो हमारा जो त्यौहार है नवंबर 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक किसान भाइयों के लिए मान सम्मान देना है। अपने बैंक से जुड़ा हुए 10 साल 15 साल 20 साल पीढ़ी दो पीढ़ी तीन पीढ़ी से जो बहु ग्राहक हमारे बैंक से जुड़े हुए, वो लोगों को सम्मान करो, वो लोगों को प्रमाण पत्र दो, ये हमारा अच्छा ग्राहक है, हमारा एक कस्टमर है। उसका साथ ही साथ अपनी बैंक की जो अलग अलग योजना है, कृषि विभाग में हम कहाँ तक कृषक को लेके जाके उसको, अभी जो अपना मिनिस्टर महोदय बताया था, ये नीमच डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ग्राम पंचायत में एक रूरल गोडाउन बनाने के लिए हम व्यवस्था कर रहा है। ये ऐसे जो कार्यक्रम रहता है वो कार्यक्रम में हमारे सेंट्रल बैंक का योगदान बहुत बढ़िया रहेगा। सर, आज कितने किसानों को आपने सम्मानित किया? एक एक शाखा से हम आठ से 10 किसानों को हम सम्मानित किया है। क्या उपलब्धियाँ रही होगी सर किसानों की? उपलब्धियाँ ये रहेगा कि किसान भाई ये पब्लिक में जाके बोल सकता है, टीचर नहीं, इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं, साइंटिस्ट नहीं, उसके लिए सम्मान नहीं, हमारों को भी सम्मान मिला है। हम एक अच्छे ग्राहक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए, इसके लिए इतना सालों के बाद हमारे को एक प्रमाण पत्र मिला है, हमारे को सेंट्रल बैंक वाले सम्मान किया, इससे बढ़िया उसको कोई लोक में नहीं चाहिए। जो बंदे को सम्मान मिलता है उससे बढ़िया कुछ नहीं चाहिए कि कुछ पैसा जिया दे और कुछ दे और दे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ये 10 आदमी को बता सकता है कि हमारे को सेंट्रल बैंक वाले ये सम्मान करके दिया है, हम एक अच्छे ग्राहक है बैंकों में। मामला सीधा है कि सरकार चाहती है कि किसान की आमदनी बढ़े, और आमदनी तभी बढ़ सकती है जब उसके पास सरप्लस या अच्छी पूंजी, जब उसे ज़रूरत हो उसे उपलब्ध हो। तो इसीलिए बैंक और इनका समन्वय करने का प्रयास किया। भाई साहब, क्या योजना नहीं दे, देखिए लोन एक हिस्सा है, ये वर्तमान स्थिति है। आज मैंने थोड़ा सा किसानों को ये बोला है कि किसानों की आमदनी कम होना और किसानों का अपना अधिकार वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मंडी में जब ले जाता है कौन किसान किसका माल किस भाव किस समय लेता है। हमने अभी ये आग्रह किया है कि हर पंचायत में एक वेयरहाउस बने, हर 3 पंचायत के बीच में एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज बने, ताकि किसान को जब उचित मूल्य हो, जहां उसकी इच्छा हो, जो उसे सबसे अच्छा पैसा दे, वहां उचित मूल्य पे, उचित दाम पे, उसकी इच्छा अनुरूप, उसकी इच्छा के अनुरूप वो माल बेच पाए। तो किसानों को अपने ग्राहक
चयन करने का और अपनी कीमत तय करने का अधिकार केंद्र सरकार ने दिया वो बताया, वो किसी की मजबूरी में ना हो। और वेयर हाउसिंग का रास्ता इसलिए ज़रूरी है कि किसान की फसल आते ही उसके छोटे परिवार में तुरंत पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने कोल स्टोरेज की बात कही कि हर पंचायत में स्टोरेज होगा, उस स्टोरेज के पर्ची के अनुरूप 75% पैसा 3% सालाना ब्याज पे ये जो दे रहे हैं उससे किसान का फायदा होगा।